हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा ऑल इन वन चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आकांक्षा, और आज जो मेरी वीडियो है ये संकट चतुर्थी स्पेशल है। और मैं यूपी से बिलोंग करती हूं, तो हमारे यहां संकट के दिन ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी डिशेज़ मैंने उसी दिन बनाई हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देख लेते हैं। और ये है मेरे पास 500 ग्राम तिल। तो इसको मैंने मीडियम आंच पे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा डाल करके भून लिया है इसे। और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 5 मिनट के लिए ही भूनना होता है। और यहाँ पर 500 ग्राम ही मैंने यहाँ पर मुरमुरे ले लिए हैं, जिसको हमारे यहाँ लैया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे चाशनी गुड़ की बन रही है, और यहाँ इसमें मैंने आधा किलो गुड़ लिया है, और मुरमुरे भी हमारे आधा किलो ही हैं। तो आधा किलो गुड़ की जो चाशनी होगी वो काफ़ी होगी उतने के लिए। तो इसमें मैंने डाल दिया है आधा गिलास पानी और आधा किलो गुड़, और इसको हम पकने देंगे। करीब 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और तेज आंच कर देते हैं इसकी हम, और इसको हिलाते हुए। और हमें इसकी एक अच्छी सी चाशनी बना लेनी है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है, सिर्फ गुड़ और पानी ही चाहिए होता है। और पानी आप जितना कम रखेंगे, चाशनी आपकी इतनी जल्दी बनके तैयार होगी। और आप चाहें तो गुड़ के पीस और छोटे भी कर सकते हैं, ताकि और जल्दी ये घुल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो इस टाइम पे इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दें, या तो फिर आप इसको बंद ही कर दें, वरना फिर ये नीचे से जल सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक छोटे बर्तन में थोड़े से मुरमुरे डाल लेते हैं, और हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही बनाएँगे इसको। तो इस पर हम डालेंगे चाशनी, और इस टाइम पर आप बहुत से ध्यान से काम करें, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म होती है, और अगर आपके हाथों पे लग गई तो आप जल भी सकते हैं। तो इसको हम एक चम्मच की मदद से जल्दी जल्दी मिला लेते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, और गर्म गर्म ही बनाना होता है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और ध्यान से काम करें। तो देखिए, सारा मिला लिया है मैंने, और अब हम इसके जल्दी जल्दी लड्डू बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है, आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। तो इसके जल्दी जल्दी लड्डू का आकार दे देते हैं, और देखिए ऐसे दोनों हाथों की मदद से हम गोल गोल बना लेंगे इसको दबाते हुए। और इसे फटाफट जल्दी जल्दी ही बनाना होता है, अगर ये एक बार ठंडा हो गया तो ये फिर लड्डू नहीं बन पाएगा इसका। तो ध्यान रखें और जल्दी जल्दी इसको बना लें, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और थोड़े मैंने बड़े बड़े बना दिए हैं, क्योंकि टाइम कम था, तो इसीलिए फिर भी देखने में ये अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मुरमुरे के लड्डू तो बन गए हैं, तो अब हम तिल के लड्डू बनाएंगे। तो सेम कढ़ाई में हम डालेंगे आधा ग्लास पानी, और इसकी चाशनी कम बनानी है तो इसलिए पानी हम कम यूज़ कर रहे हैं। और 250 ग्राम गुड़ डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ मैंने गुड़ ऐसे ही डाल दिया है बड़ा पीस, आप इसको छोटा टुकड़ा करके डालें। और 15 मिनट तक इसको भी पका लेना है, चाशनी बनने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, और तिल के लड्डू बनाने के लिए भी चाशनी जो है हमारी तैयार हो गई है बनकर। तो अब हम आँच बंद कर देंगे बिल्कुल, और तिल हमारे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो इसलिए हम तिल को इसी कढ़ाई में डाल देंगे सारे जो हमने भून के रखे हुए हैं। और उसके बाद इसको हम एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे इसी में। और यहाँ भी हमें बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म होती है, और अगर ये गलती से कहीं लग जाती है तो फिर चिपक जाती है। और इसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिला लेना है, और ये काम जल्दी जल्दी ही करना होता है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे इसके। तो अब हम कढ़ाई को गैस से उतार लेते हैं, और इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मिला लेना है, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो
एक चम्मच की मदद से जो इसमें चिपका हुआ है चम्मच में इसको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके भी जल्दी जल्दी लड्डू बना लेते हैं। तो सबसे पहले हल्का सा हाथों पे पानी लगा लेंगे, आप चाहे तो तेल लगा लें, और थोड़ा सा मिक्सर ले करके और दोनों हाथों से दबाते हुए इसको और एक छोटा सा लड्डू का आकार दे देना है। और देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया है छोटा सा। तो अब हम जल्दी जल्दी सारे लड्डू बना लेते हैं। और अगर ये ठंडा होने लगे तो आप इसको फिर से गैस जला करके एक दो सेकंड के लिए कढ़ाई आप गैस पर रख सकते हैं, और फिर उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और नीचे उतार लीजिए और फिर लड्डू सारे बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे तिल के लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं और ये भी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और तिल ज़्यादा नहीं थे तो ये थोड़े कम बने हैं। तो फ्रेंड्स दो डिश तो हमारी बनके तैयार हो गई हैं, अब तीसरे की बारी है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें तिल को 5 मिनट भून करके और गुड़ में मिला देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ले लिया है करीब 100 ग्राम के आसपास, और उसको चाकू से अच्छे से काट लिया था, और उसके बाद तिल को 5 मिनट भून करके और गर्म गर्म ही गुड़ में डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से चम्मच से मिला लेना है ताकि जो तिल है वो हमारे गुड़ में चिपक जाए। और ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और फिर ये देखिए थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है गुड़, तो देखिए ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो इसको अब हम हाथों की मदद से अच्छे से मिलाएंगे मसलते हुए ताकि जो हमारा तिल है वो गुड़ में अच्छे से चिपक जाए। और इसके बाद इन सब चीज़ों को हमें 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये टाइट हो जाए गुड़, या तो फिर आप अगर तुरंत खाते हैं तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए हमारी तीनों डिशेज बनके तैयार हो गई हैं, और इनको बनाने में मुझे करीब 2 घंटे लग गए हैं, और इनको मैंने प्लेट में भी लगा लिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।